जी मां साहब, आसिफ अली जरदारी साहब दावा कर रहे हैं कि लाहौर में और पंजाब में पीपल्स पार्टी ने नया जन्म लिया है, इत्तेफाक करते हैं? नहीं, जन्म क्या लेना है, वो जन्म तो अपना 40-50 करोड़ रुपए दिया, वो जिस दिन उससे एक दिन क्या बच्चा पैदा हो गया, अगले दिन मर गया, उसमें क्या है। बेसिक जो बात है, आप कह लें कि जो बात उन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में की है कि वो भागे हुए हैं, मफरूर है, मैं इस धरती में रहूंगा, वो बात ठीक है उनकी। मैं समझता हूँ कि किसी बंदे को हक नहीं पहुंचता, किसी बंदे को हक नहीं पहुंचता कि वो इतना बुजदिल हो, वो मफरूर हो, जब भी हुकूमत जाए भाग जाए, बच्चे बाहर हों, जायदादें बाहर हो, इन्वेस्टमेंट बाहर हो, रहता बाहर हो, ईद बाहर करता हो, शादियां बाहर करता हो, और कहे कि मैं कायदे अवाम हूं, मैं इस मुल्क का भाई। यहां दफन होने के लिए आना तुमने, यहां तो यहां तुम मां बाप को दफन करके ही लोगों को कब्रें दिखाते हो। हम कब्रें देखने के लिए नहीं है यहां पे, आपके बगौर महंगाई है, आप आके एफर्ट करें, यहां इस मुल्क में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आप आके एफर्ट करें, आप आके रोल प्ले करें, आप इस मुल्क की बनाई हुई अदालतों को फेस करें, आप रूल ऑफ लॉ के सामने पेश हो, आप सरेंडर करें, अपने आप को सुरखरू करें, सफाई दें अपनी। ये क्या तरीका है कि आप वहां भाग गए और दलेरी और बहादरी और कायदे अवाम और कायदे तहरीक और ये और वो। भाई आप एक बुजदिल भगौड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो, आप एक बुजदिल भगौड़े के अलावा कुछ भी नहीं हो। आपसे जरदारी साहब ने आपके बारे में जो कहा, इससे ज्यादा बेहतर एक क्रिमिनल है जो यहाँ खड़ा होकर कहता है चीने पर खुद इलेक्शन से फरार हासिल किया, ये कोई सियासी